एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सफ़र आज शुरू होने जा रहा है। मैं हूँ अभी नई दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी आज, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक पे लगे हैं मुझे पूरे 2 घंटे, लेकिन आगे का सफ़र बहुत ही रोमांचक और रोचक होने वाला है। मैं काम करता हूँ पब्लिक हेल्थ एरिया में और मेरी एक नई नौकरी मुझे लेके जा रही है एक ऐसे देश में जिस देश का नाम तकरीबन 95% हिंदुस्तानियों ने नहीं सुना है, और मैं उसका नाम अभी आपको नहीं बताऊँगा, उसका नाम मैं आपको बताऊँगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो फिलहाल हमें दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे और हमारी फ्लाइट यहाँ से हमें लेके जा रही है इथोपिया के कैपिटल सिटी एडिस अबाबा में। चलिए आप मेरे साथ, तो शुरू करते हैं सफर 3, 2, 1। एक बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग आती है जब आप घर से नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए निकलते हैं, जैसे कि मैं निकल रहा हूँ अफ्रीका, मेरा घर दिल्ली में है, मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, और हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कैसा लगता होगा घर वालों का जब आप उनको छोड़कर जाते हैं। हालांकि वो आपके लिए खुश होते हैं और आप भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट बुरा तो लगता होगा जैसे कि मुझे आज लग रहा है, पर ठीक है, लाइफ है, चलती रहती है। वी आर इन्वेस्टिंग इन टुडे सो दैट आवर फ्यूचर इज़ बेटर, एंड नॉट जस्ट आवर फ्यूचर, आवर फैमिली एंड आवर फ्रेंड्स फ्यूचर एंड आवर कंट्रीज फ्यूचर। ऑल्सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम व्लॉगिंग, पहली बार इस तरह की व्लॉगिंग में कर रहा हूँ, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, उस वजह से पसीना भी आ रहा है, तो प्लीज़ सॉरी अगर आपको इतना पसंद नहीं आ रहा, नेक्स्ट वाला इससे बहुत बेहतर होगा, प्रॉमिस यू दैट। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं, फ़्लाइट है 2:45 सुबह इंडियन टाइम में, जो कि 6.5 घंटे बाद पहुँचेगी एडिस अबाबा। पूरा दिन आज 22 जनवरी को दिल्ली में हुई है काफ़ी बारिश, पर एयरपोर्ट के अंदर बहुत गर्मी है, बहुत भीड़ है, और काफ़ी लोग सो चुके हैं, पड़े हुए हैं। काश मैं उनको रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकता, बट यू नो व्हाट, थोड़ा बुरा लगेगा उनको, इसलिए नहीं करूँगा आज, फिर कभी करेंगे ट्राई। Have now finally reached Ethiopia's capital city Addis Ababa. चलते हैं टर्मिनल की तरफ, 3 घंटे का हॉल्ट है अगली फ्लाइट से पहले। पहुँच चुके हैं एडिस अबाबा में, यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे का हॉल्ट है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे उस कंट्री की तरफ जिसका नाम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, मैं बताऊँगा भी इनको, वहाँ जाके दिखाऊँगा। इथोपिया काफ़ी बड़ी कंट्री है और इंडिया की तरह वो अफ्रीका में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, यंग पॉपुलेशन है, और एक ख़ास बात ये है यहाँ के लोग, अगर आप उनका चेहरा अगर आप उनको गूगल करें, इथोपियन टिपिकल वुमेन मैन फेस, बहुत ज़्यादा Thank you. Good. That's it. Come in, come in. Hi. Say hi everyone in India. Addis Ababa. First time checking in Addis Ababa. This is good. Addis Ababa is good. I want Shashimani. Yeah. Hey, what's up? What's up? They call me Gabriel Kenya. My YouTube channel is The Street Committee. Remember to subscribe to this guy's YouTube channel, Mase. Yeah? And the name is Health Gossip. Habibi. Health Gossip. वेल मेरे कुछ अफ्रीकन भाई आ गए थे, आई होप आपने इन्जॉय किया, और ऐसा होता रहेगा क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट देशों में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, और इसी का नाम जीवन है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ के लोगों की, इथोपिया के लोगों की शक्ल काफ़ी मिलती है इंडियन से, अगर आप दक्षिणी भारत को देखें तो वहाँ के लोगों से काफ़ी शक्ल मिलती है, मैंने हमेशा नोटिस किया है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप ज़रा कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा सच है कि नहीं। और एक और चीज़ आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखा है, अगर आप इंडिया से उठते हैं फ्लाइट से, बॉम्बे दिल्ली कहीं से भी, तो इंडिया
से उड़ने के बाद इथोपिया पहुँचने तक बीच में कोई देश नहीं है, सिर्फ समुद्र है, तो आप सीधा इथोपिया आता है। तो ये जानकर, ये सोचकर अच्छा लगा कि कुछ नहीं है इथोपिया और इंडिया के बीच, सिर्फ पानी, कोई देश नहीं है, तो हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा। अब हम अगले देश की ओर बढ़ने जा रहे हैं, आधे घंटे में फ्लाइट है, इथोपिया में है, इथोपिया की फेमस कॉफ़ी पी रहे हैं। स्टारबक्स हो या कॉस्टा कॉफ़ी, दुनिया की बड़ी बड़ी कॉफ़ी चेन्स इथोपिया से कॉफ़ी इंपोर्ट करती हैं। कंट्री का काफ़ी हिस्ट्री है, काफ़ी कल्चर है, और कभी ना कभी यहाँ पे डिटेल से आके उसको कवर करेंगे। पर फिलहाल हम चलते हैं अपनी अगली फाइनल डेस्टिनेशन की और भाग रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, और मिलते हैं उस देश में जाकर। अब So time to break the suspense, and we are in this country known as the warm heart of Africa, Malawi, and with me is my brother. His name is Richard. Richard, my brother is here to get me. और मलावी में अभी चल रहा है मॉनसून का सीजन और हो रही है काफी बारिश, बिल्कुल अपोजिट जैसा हमारे यहाँ है वहाँ से। और जैसे कि मैंने कहा था, हम एक ऐसे देश जाएंगे जिसका नाम ज़्यादातर देशवासियों ने नहीं सुना होगा, मैंने खुद भी नहीं सुना, जैसे मैंने कहा, जब तक मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिली। मैं हालांकि यहाँ पहले भी रहा हूँ और एक नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के लिए भी फिर से आया हूँ, हालांकि अभी यहाँ मैं परमानेंट नहीं रहूँगा, आते जाते रहूँगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत कुछ है इस देश में देखने के लिए और आपको हमेशा एक नए वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ से दिखाऊँगा। मलावी है सदर्न अफ्रीकन रीजन में लोकेटेड, और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं साउथ अफ्रीका बहुत पास में है, जिम्बाब्वे पास में है, जैम्बिया पास में है। इन कंट्रीज़ के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देशवासियों ने इन कंट्रीज़ के नाम सुने होते हैं। मैं रुका हूँ सनबर्ड कैपिटल होटल में, ये यहाँ का सबसे बड़ा होटल है, 150 से ज़्यादा कमरे हैं यहाँ पे, और इस होटल का भी टूर करेंगे अगले वीडियो में। मेरा प्लान है कि आपको मैं वॉक करके जाऊँगा और लिलोंगवे जो शहर, जो कि राजधानी जिस शहर में है हूँ मैं अभी, उसका एक छोटा सा मिनी टूर भी दूंगा। दिल्ली से कल मैं घर से निकला था ठीक 10:30 बजे, वहाँ से फ्लाइट थी एडिस अबाबा की 2:30 बजे, उसके बाद उस फ्लाइट को 7 घंटे लगे एडिस अबाबा पहुँचने में, वहाँ 3.5-4 घंटे का लगभग हॉल्ट था, फिर मलावी की फ़्लाइट 4 घंटे, तो तकरीबन मिला के 18-19 घंटे हो गए, काफ़ी थकान हो गई है। फील्स लिटिल बेटर आफ्टर टेकिंग ए शावर, सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हेयर। बहुत जल्द मिलेंगे एक बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग वीडियो के साथ।